भारत बाज ना आया, पीर को भी समझौता एक्सप्रेस मंसूख कर दी, मुजाहरे खत्म नहीं हुए, ट्रेन को ना भेजा जाए, मोदी सरकार का मौकिफ। NA-122 का मार्का, वजीर आजम लाहौर में, हुकूमती मंसूबों और कयाम अमन समेत हर मौजू पर दिल खोल कर बोले, तहरीक इंसाफ पर भी कड़ी तनकीद, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा। ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन पहले वजीर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस, वोटर्स को मुतासिर करने की कोशिश थी, तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, नोटिस लेने का मुतालिबा। NA-122 और NA-144 में ज़िमनी इलेक्शन, इंतखाबी सामान की तरसील, लाहौर और ओकाड़ा में फौज ने पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। नंदीपुर पावर प्लांट पर एक और तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला, जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी सरबराही करेंगे। सेंडेक मंसूबा स्कैंडल, नैब ने साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और असलम रईसानी को आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। पाकिस्तान का खसूसी माशी जोन बहरी कजाकी के इंतहाई खतरनाक समुद्री हदूद से बाहर करार, तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है नई हदूद का इतलाक 1 दिसंबर 2015 से होगा। और मॉस्को में मौसम सरमा के आगाज पर ही बर्फबारी, शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला।